Hello, assalamu alaikum guys, welcome to Manigan episode number 22, and today we'll talk about New Zealand ka incident and many such disgraceful cases. So 50 people got killed and masjid mein ghus ke marna kitne gaali di kami hai wo gande insaan ko. Very very disheartening. What I wanted to say is नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप कुछ इंसिडेंट सुनो कि फला इंसान ने एक कम्युनिटी पे हमला किया है, शो योर केयर टुवर्ड्स द कम्युनिटी. बस जिस इंसान ने वो किया है उसके नाम और उसके मज़हब से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत. जो इंसान एक इनोसेंट इंसान को मारता है, ना वो हिंदू में गिनाएगा, ना वो मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन. इसलिए मुझे यही कहना है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी इंसान किसी को मारता है, क्रीप्स लाइक दीज एंड इवन द टेररिस्ट इन अदर कंट्रीज, नो मैटर जो भी नाम हो उनका, चाहे वो हफीज सईद हो, चाहे वो ये गधा हो, या कोई भी इंसान हो, उसको उसके मज़हब से कंपेयर ना करें. क्योंकि कोई मज़हब ना गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है, कोई भी किताब आपको किसी इनोसेंट मानने की इजाज़त ही नहीं देता. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी ऑल नीड टू स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग. एंड यू नो, कोई इंसान मारता है बेगुनाहों को तो वो इंसान इंसान ही नहीं, वो इंसान हैवान होता है. ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना क्रिश्चन होता है, नथिंग. ही इज़ नॉट नॉट इवन अ ह्यूमन. ये रिलीजन तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए. ही इज़ नॉट इवन अ ह्यूमन, ही इज़ अ